और ये जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया है जो समझ में आ रहा है वो डे वन से ही चल रहा है और ये कहने में कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि दिस इज द मोस्ट सिनिस्टर सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल कवरअप दैट इज बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड एट द बिहेस्ट ऑफ द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सेव द रेपिस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेपिस हुस हैव लिंक्स विद द तृणमूल कांग्रेस यह कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि जो पूरी कवायद की जा रही है यह सबसे ज्यादा व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है बलात्कारियों को ताकि जो अन्य बलात्कारी हो सकते हैं इस मामले में अभी एविडेंस सामने आ रहा है कि एक से ज्यादा बलात्कारी हो सकता है उसको संरक्षण दिया जा जाए ताकि तृणमूल कांग्रेस के साथ जो संभवतः उसके रिश्ते होंगे उनके वो सामने निकल करना है और इसीलिए बंगाल में आज मां माटी मानुष नहीं केवल बलात्कारी बचाव चल रहा है कल भी पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स की है मेरे पास है वो मैं आपको ब्रीफ में सिर्फ बताना चाहता हूं तीन चार बिंदु पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार का जो टीएमसी मॉडल ऑफ रेप मर्डर एंड कवरअप है उस पर पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट कहती है कि ये एब्सोल्यूट फेलियर है स्टेट मशीनरी का तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जो पुलिस है वो पूर्ण तरीके से फेल हो गई डॉक्टर्स को सुरक्षा देने में हाउ डिड 5,000 थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड पीपल कम टू दैट पर्टिकुलर आरजी मेडिकल कर कॉलेज इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोर्ट यह इशारा कर रहा है कि यह भीड़ स्पॉन्टेनियस नहीं थी यह भीड़ सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड तरीके से लाई गई थी और यह भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल के कोर्ट को कोई भरोसा विश्वास नहीं बचा है सरकार में और पुलिस में और इसीलिए न केवल इन्वेस्टिगेशन को जो मूल मुद्दे में है परंतु इसके अलावा जो वैंडलिज्म का मामला है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला है वैंडलिज्म का तोड़फोड़ का उसको भी सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया है